अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के एक और लेसन के साथ आपके सामने। और आज हमारा आखिरी लेक्चर है प्रोनाउन और उसकी काइंड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर व्हिच इज अबाउट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन एज द वेरी नेम सजेस्ट्स के इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। ये सवाल से रिलेटेड है और ये इट इज ऑल अबाउट, जैसे मैंने लिखा, आस्किंग क्वेश्चंस। ये वो वर्ड होगा जो बेसिकली सवाल पूछने के लिए यूज होता है, बट इन फैक्ट ये करेगा क्या, किसी नाउन को रिप्लेस करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। किस तरह से, आई आस्क हु वाज स्पीकिंग, आई डू नॉट नो हु इज देयर, टेल मी व्हाट यू हैव डन। मैंने आपकी आसानी के लिए तीन वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं इसमें। पहले फिर सेंटेंस देखिए, आई आस्क हु वाज स्पीकिंग, हु परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अ प्रोनाउन, ये किसी नाउन को रिप्लेस करेगा या उसके तरफ इशारा करेगा। आई डोंट नॉट नो हु इज देयर एंड टेल मी व्हाट यू हैव डन। तो इन तीन सेंटेंसेस में ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये तीनों की तीनों वर्ड्स जो हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स हैं। तो ये एक एक कॉम्प्रिहेंसिव मैंने तीनों सेंटेंसेस में तीन बड़े जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो आपको समझाने के लिए इसमें लिखे हैं। सबसे पहली कैटेगरी आपके सामने है, दैट इज हु। हु सबसे ज्यादा एक्सेसिवली यूज होता है एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमारी राइटिंग्स में। इट एम बट इट इज यूज ओनली फॉर पर्संस, इंसानों के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए या फॉर दैट मैटर कंक्रीट बाकी चीजों के लिए यूज ये नहीं होता। हु गोज देयर, इंसान के लिए हु गोज देयर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हुज इज दिस बुक। अब यहां पर ये इसकी जेनेटिव फॉर्म है या आप पजेसिव फॉर्म कह सकते हैं। याद रहे मैंने इससे पहले भी बताया था कि जो हु है, हु की भी हमारे पास तीन डिफरेंट केसेस पाए जाते हैं। एक इसका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होगा हु, एक इसका पजेसिव या जेनेटिव केस होगा दैट इज कॉल्ड हुज, और एक इसका एक्यूजेटिव केस होगा या इसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं जो कि हुम के तौर पर यूज होता है। सो हु के बारे में याद रखिएगा कि ये यूज होता है सिर्फ और सिर्फ persons के लिए, इंसानों के लिए यूज होगा who, पहला। नेक्स्ट कम्स which यूज कहां होगा, ओनली फॉर persons एंड थिंग्स, इसमें थोड़ा सा एडिशन हो गया, वो सिर्फ persons के लिए था, ये persons और थिंग्स दोनों के लिए। which are your books, which of the boys saw him, which will you take, the use of which in three sentences show you कि ये आप ये persons और things के लिए यूज होता है, यहाँ ये thing के लिए यूज हुआ, यहाँ ये इंसानों के लिए यूज हुआ, और यहाँ पर अगेन चीजों के लिए यूज हुआ। तो ये which जो है ये तीन different forms में पाया जाता है और ये मौजूद रहता है। तीसरी जो इसमें किस्म मैंने बताई, that is what, only things, सिर्फ चीजों के लिए यूज होगा। किस तरह से, what have you found, what have you found, what do you want, what was it all about, mostly abstract चीजों के लिए या चीजों के लिए, but mostly में abstract sense use होगी, abstract sense के लिए use होगा what। ये हो गई आपके पास interrogative pronoun जो तीन excessively use होते हैं mostly, ये वो तीन हैं who, which और what, ठीक हो गया। एक इसमें एक बाद में थोड़ी सी आप कह लें एक innovation होती है इसमें interrogative pronoun, वो ये कि compound interrogative pronouns भी होते हैं कुछ। वो किस तरह से, whoever told you all about it, who or ever को इकट्ठा किया गया और फिर उसको उससे एक नई सेंस बनाएगी। whatever are you doing, whatever whoever whosoever, ये जो वर्ड्स कुछ ऐसे हैं कि जो कि कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे क्योंकि ये दो अल्फाज को जोड़ के बनाए गए हैं। एक लास्ट छोटी एक बहुत कम यूज होने वाली एक काइंड है प्रोनाउन की, दैट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एज द वेरी नेम सजेस्ट, इसमें एक्सक्लेमेशन पाई जाएगी, वंडर, खुशी, जोश, एक्साइटमेंट, सच इमोशंस वुड बी रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। व्हाट यू डोंट नो अहमद, यहाँ वो ये सेम सेंस है। व्हाट स्टिल हियर, आई थॉट यू हैड गॉन होम। अब ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो है ये वो है जो एक्सक्लेमेशन को, एक्सक्लेमेशन के जो एक्साइटमेंट के या आप कह लें कि वंडर के, खुशी के जो आपकी इमोशंस है
यू एक एक ऐसे वर्ड के थ्रू पेश करते हैं जो कि इनफैक्ट प्रोनाउन होता है। तो इस वर्ड को, इस टाइप के वर्ड्स को हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। सो टुडे वाज द लास्ट लेक्चर अबाउट प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन उसकी काइंड्स के बारे में, इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा हमने, कंपाउंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। हमारा प्रोनाउन की सीरीज यहाँ ख़त्म होती है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके साथ आपके सामने दोबारा आऊँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।